फाइनली गाइस, आज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस को। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्विज को देखा था, हमारी एचटीएमएल कंप्लीट हो गई थी और मैंने आपको क्विज दिया था परफॉर्म करने के लिए। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस को, तो ये हमारा 9th वीडियो है। आई थिंक इस कोर्स से रिलेटेड 8 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है वो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, आप यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, डन पे क्लिक करके अपने पास सेव कर लें ताकि आपके पास प्लेलिस्ट यहाँ पर आ जाए। जब भी एक्सेस करनी हो सिंपल यहाँ पर क्लिक करें, वो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस को। सीएसएस बेसिकली क्या है, व्हाट सीएसएस डज, हाउ सीएसएस वर्क। आगे हम रूल्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है सीएसएस, क्यों यूज करते हैं हम सीएसएस को, और क्या ऐसा जो है क्या नीड पड़ी हमें सीएसएस को यूज करने की, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली हम बनाते थे वेब पेजेस। हमने एचटीएमएल के अंदर देखा कि हम जो है वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेजेस को लगा सकते हैं, लेकिन वो एक हद तक रहती है, मतलब एक लाइन में रहती है। ना हम उसको सेंटर कर सकते हैं, ना हम उसको कलर दे सकते हैं, ना हम उसको और कुछ कर सकते हैं, उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो ये काम सारे करता है सीएसएस। सीएसएस जब हम सीख लेंगे तो हम इतनी ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकेंगे कि आप भी देखेंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर भी एचटीएमएल और सीएसएस की एक वेबसाइट होगी। जब हमारी सीएसएस कंप्लीट होगी तो उसको लेकर जो वेबसाइट होगी आप भी बोलेंगे क्या ये मैं बना सकता हूँ, तो तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जी हाँ मैं ये सीएसएस की हेल्प से बना सकता हूँ। तो देख लेते हैं, सीएसएस बेसिकली इतना ही है कि हम जो है वो एचटीएमएल से जो वेब पेजेस क्रिएट करते हैं उसको हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसको हम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपसे कोई पूछे व्हाट सीएसएस स्टैंड फॉर, आप बोलते हैं, आप बोल सकते हैं वेब पेजेस, एचटीएमएल वेब पेजेस, हाउ टू डिजाइन द एचटीएमएल वेब पेजेस इन अ ब्यूटीफुल डिजाइन। तो आप इतना सा बोल सकते हैं उसको, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको पता है कि सीएसएस क्या है। तो चलते हैं आगे, नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा और देखते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या है सीएसएस के अंदर। देखें, आपने देखा था पैराग्राफ टैग, सही है, पी का टैग हमने पढ़ा था। तो ये देख सकते हैं आप, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर, सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगानी है कर्ली ब्रैकेट। हम सीएसएस की अपनी फाइल बनाएंगे, सही है, अलग फाइल, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाई थी इसी तरह हम स्टाइल डॉट सीएसएस बनाएंगे। एक कन्वेंशन चलती आ रही है, आप नाम जो मर्जी रख सकते हैं, लेकिन आखिर में जैसे डॉट एचटीएमएल लाजमी था उसी तरह डॉट सीएसएस लाजमी है। अब देख सकते हैं इन्होंने फॉन्ट फैमिली को चेंज कर दिया। जैसे मेरी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली थी, मैं दिखाता हूँ क्या थी मैं हमारी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, और इन्होंने चेंज करके एरियल कर दिया उसको, तो हमारा जो फॉन्ट है वेबसाइट के अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको हम चला के ही देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपना एचटीएमएल वाला फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से एचटीएमएल वाला फोल्डर मैं ओपन करूंगा। अब इसी फोल्डर के अंदर जो है वो मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा सीएसएस की, सीएसएस का एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा इसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर बन गया है फोल्डर, इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं, सीएसएस रख देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं इस फोल्डर के अंदर जाके मैं ओपन विद कोड करूंगा, तो इस फोल्डर के अंदर जो है वो मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ये मैं पहले वाला बंद कर देता हूँ, तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं दो फाइल्स बनाऊंगा, सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनेगी, उसके बाद सी एस एस की फाइल बनेगी। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वैसी बनेगी जैसे हम बनाते थे, उसके बाद एक सी एस एस की फाइल बनेगी स्टाइल डॉट सी एस एस, 3 बार नहीं 2 बार, ओके। तो यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड ले आता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं स्टाइलिंग, यहाँ पर लिख देते हैं स्टाइलिंग, सही है। अब मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, उसके बाद मुझे उसका फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं पैराग्राफ लिखूंगा उसके अंदर लोरेम 20 लिख दूंगा, लोरेम 20, सही है। तो यहाँ पर लोरेम 20 लिख दिया, उसके बाद तो यहाँ मैं अपनी सी एस एस वाली फाइल के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया हुआ था, पी का टैग लिया था, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाए थे।
अब मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फॉन्ट्स नहीं फॉन्ट्स फैमिली, फॉन्ट फैमिली, उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल एरियल करता हूँ अभी के लिए। फाइल को कर देता हूँ सेव और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास टेक्स्ट आ गया है, लेकिन ये तो वैसा ही टेक्स्ट है जैसे हम पहले लिखते थे, इसका फॉन्ट तो चेंज हुआ ही नहीं। अब मैं बताता हूँ फॉन्ट क्यों नहीं चेंज हुआ। फॉन्ट इसीलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने एच टी एम एल वाली फाइल को, सॉरी सी एस एस वाली फाइल को लिंक नहीं किया अपनी एच टी एम एल फाइल से। अब वो कैसे करेंगे, जब तक हम लिंक नहीं करेंगे उसको पता कैसे चलेगा कि भाई हाँ ये इस वाली फाइल में चेंजेस करने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ लिंक कैसे करेंगे। आपको सिंपल आना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और हेड टैग के अंदर, मेटा के नीचे हेड टैग के अंदर टाइटल से ऊपर आपको लिंक का टैग लगाना है। जैसे लिंक लिखेंगे आप तो कुछ इस तरह से आपको ये दे देगा। अगर आप वी एस कोड यूज कर रहे हैं तो रियल स्टाइल शीट आप इसको इग्नोर करें। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एच रेप के अंदर एट्रीब्यूट के अंदर आपने अपनी फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मेरी लिंक हो गई है एच टी एम एल फाइल और सी एस एस फाइल्स दोनों आपस में जो है वो लिंक्ड हो गई हैं। तो अब मैं अगर आऊँगा इधर और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। पहले फॉन्ट चेंज था, नोकीला नोकीला फॉन्ट था। आप देख रहे थे कि हर टेक्स्ट के बीच में जो है वो कोनों में जो है वो नोकीले नोकीले से आ रहे थे ना, अब यहाँ पर जो है वो फॉन्ट चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, H1, H2 और H3 का कलर येलो किया और फॉन्ट फैमिली एरियल किया। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर H1, H2, H3, H1, H2 और H3 ले लेते हैं, सही है। यहाँ पर लार्ज हेडिंग, H2 में लिखूंगा नॉर्मल हेडिंग और H3 में लिखूंगा, H3 में स्मॉल हेडिंग, सही है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, H1, अगर आपके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं और उनको आप सेम स्टाइलिंग देना चाहते हैं, सही है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोमा H2, ना कि हमें इसको छह लाइन में लिखना है बल्कि हमें इसको तीन लाइनों में लिखना है। तो यहाँ पर और एच थ्री, हम इनको सेम स्टाइलिंग देना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, सही है। तो यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली इसका भी एरियल करूंगा, अब मैं इसका भी फॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल करूंगा। यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो क्या था, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं ऑरेंज रेड करूंगा, ऑरेंज रेड आपने देखा होगा ऑरेंज रेड कलर ये वाला तो थोड़ा सा डार्क होता है, तो इसलिए मैं ये करूँगा। यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं लार्ज हेडिंग, नॉर्मल हेडिंग और स्मॉल हेडिंग। तो ये सी एस एस की कुछ चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या है हमारे पास, आओ सी एस एस रूल कैस्केड। अब आप देख सकते हैं आई डी से भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, हम क्लास से भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, अभी हम देखेंगे इसको करके। वाई यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो हम जो है ये यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल, सही है, यहाँ पर ये हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल फाइल बना के, और यही सबसे अच्छा तरीका है। हम सीएसएस को तीन चीज़ तीन तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक तो हमने देखा एक्सटर्नल फाइल बना के, एक हमने पहले देखा था एचटीएमएल जब हम अपनी सीएसएस लिख सकते थे, ये हमने करके देखा था। और उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि हम यहाँ पर ही स्टाइल का टैग लगा कर उसके अंदर जो है वो अपनी हाइट विड्थ जो है वो चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ये तीन तरीके होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि आप एक एक्सटर्नल फाइल बनाएं और वहां पर जो है वो सी एस एस को यूज़ करें। तो ये जो हमने करके देखा अभी, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आपने इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कलर्स का, कलर्स को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं, कौन कौन से कलर कोड होते हैं, हेक्सा कोड होते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।